स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमएस एक्सेस को हम डिस्कस कर रहे हैं, और आज हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास एक एग्जिस्टिंग डेटाबेस हो उसको हम ओपन कैसे करेंगे। तो उसका प्रोसीजर आप देखते हैं। इट इज़ थर्ड ऑप्शन इन दी डायलॉग। अब लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम डेटाबेस विद विजर्ड और विदाउट विजर्ड कैसे बनाते हैं। वहाँ पर हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स था जिसमें हमारे पास तीन ऑप्शन थे। कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। अब ये था, फर्स्ट वाला है हमारे पास ब्लैंक एक्सेस डेटाबेस। सेकंड था हमारा जब हमने विद विजर्ड हमने डेटाबेस क्रिएट करना था तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन था सेकंड वाला, एक्सेस डेटाबेस विजर्ड्स पेजेस एंड प्रोजेक्ट्स। अब ये थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। यू कैन सी थर्ड ऑप्शन है हमारे पास। अब यहाँ आपने थर्ड ऑप्शन को क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो हम क्या कर लेंगे, अपना प्रोसीजर जो है हमारा कि एग्जिस्टिंग डेटाबेस को कैसे ओपन करना है वो परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। अब इस ऑप्शन में होगा क्या, इन दिस ऑप्शन यू कैन ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल। ऑब्वियसली जो हमने सेलेक्ट किया है वो क्या है, ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल। तो प्रोसीजर क्या होगा, उसका टास्क क्या होगा, फंक्शन क्या होगा कि वो एग्जिस्टिंग डेटाबेस जो कि हमने पहले बनाई हुई होगी उसको ओपन कर देगा। व्हेन यू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एन ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। डायलॉग बॉक्स एक विंडो हमारे पास आ जाएगी जब इसको हम सेलेक्ट करेंगे सेकंड ऑप्शन को। फ्रॉम देयर यू कैन एक्सप्लोर यू डेटाबेस फाइल एंड प्रेस ओपन बटन। जब हम इसको डायलॉग बॉक्स हमारे सामने शो होगा, यहाँ से जो हमने डेटाबेस करनी है हमने ओपन करनी है उसको एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि बहुत सी डेटाबेस होती हैं हमारे पास, तो एक्सप्लोर करेंगे जो हमारे पास डेटाबेस फाइल हमारी रिक्वायर्ड होगी उसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और ओपन बटन को क्या कर देंगे, प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे विंडो में आप देख सकते हैं डायलॉग को, डायलॉग बॉक्स में देख सकते हैं यहाँ पे एक db1.mdb, ये MS Access में डेटाबेस की क्या है एक्सटेंशन है, db1 उसका नेम है। यहाँ क्या कर लिया, एक्सप्लोर कर दिया है हमने अपनी डेटाबेस फाइल को, और राइट साइड पे देखें ओपन और कैंसिल के बटन है। तो ये जो ओपन वाला बटन है इसको हम जब सिलेक्ट करेंगे, ओपन बटन को प्रेस करेंगे, तो हमारी जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल है जो कि हमने सेलेक्ट की है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अब हमने अपनी डेटाबेस बना भी ली विदाउट विजर्ड, विजर्ड ओपन भी कर ली। अब हमने क्या करना है, MS Access को एग्जिट करना है अपने प्रोग्राम को। After completing your work with Microsoft Access, properly exit the program to avoid data loss. हमने properly अपनी database create करने के बाद अपनी Microsoft Access को properly exit करना है ताकि हमारा जो data है वो loss ना हो। From file menu select close option to close the open database. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, file option में, file menu में से close option को क्या करेंगे, select करेंगे। अब हमने क्या करना है, क्योंकि डेटाबेस हमने जो बनाई थी उसको ओपन कर ली, हमारा रिक्वायर्ड टास्क जो हो गया वो परफॉर्म हो गया, वो ऑब्वियसली हमने क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से एग्जिट होना है। तो कैसे होंगे, आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा प्रोग्राम है उसको प्रॉपरली एग्जिट करना चाहिए ताकि हमारा जो डेटा है, डेटाबेस हमने बनाई है उसमें हमारा वाइटल डेटा होगा वो लॉस ना हो जाए। उसके लिए हमें MS Access को प्रॉपरली एग्जिट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, फ्रॉम द फाइल मेन्यू सेलेक्ट क्लोज ऑप्शन टू क्लोज दी ओपन डेटाबेस। जो ओपन डेटाबेस वाली विंडो है पहले हमें उसको एग्जिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें MS Access में फाइल ऑप्शन होगा, लाइक आपने पेंट की होगी कोई भी विंडो होती है तो ऑप्शन होता है ऊपर मेन्यू बार में, मेन्यू फर्स्ट होता है हमारा फाइल का। तो फाइल से क्या करेंगे, हम सेलेक्ट किसको करेंगे, क्लोज ऑप्शन को करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो ओपन डेटाबेस वाली विंडो है वो क्लोज होगी। देन हमने क्या करना है, अपने MS Access को जो हमारी एप्लीकेशन है उसको क्लोज करना है। तो उसके लिए दोबारा जाएंगे हम फाइल मेन्यू में और कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, एग्जिट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हमारा जो एप्लीकेशन है कौन से वाली, MS Access की, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। हम उससे क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। तो इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया कि अगर हमारे पास क्या हो, एग्जिस्टिंग डेटाबेस हो उसको हम बना कैसे सकते हैं, ओपन कैसे कर सकते हैं, और देन अपनी जो हमारी एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस उससे एग्जिट कैसे हो सकते हैं। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। सी यू नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। फी अमान अल्लाह।